तो बेटे पहुंचे हैं। हाँ जी बेटे पहुंचे हैं। सारे रिटायर होके घर आए ने, पता नहीं की बनिया की बनिया। जिगर दा टुकड़ा निके बच्चे पाली दे ने बुआ वाल वेखी दा, मेरे बच्चे सियाने होण इतरा हो जाए तो मापे का जीवका कोई नहीं है, ब्याह चली जाती, मेरा पता अपने घर रहिंदा। की मांग की करते हो सरकारां को, की मांग करते हो सरकारां? देखो तो यहां भी सियाणे हो, यहां भी तुहानू पता है जो बच्चे हो, चलो तो बच्चे नु नौकरी मिल जाए, आप ही तुसी सियाणे जो है। जो मांग करे हाथे है यहां भी तुसी करदे हो सरकारां? मैं सरकार दे अगे मांग करदी मेरे बेटे नु नौकरी मिलनी चाहिए। छुट्टी मिल गई, मैं उथे चल चल आए। हां जी ये गल बात हुई, होर नहीं कोई भी गल बात हुई। मांग तुहाडी है? मेरी मांग है मेरे बेटे नूं नौकरी दित्ती जावे, मैं अपने तीन बच्चे दोवां बच्चियां नूं सिर ते बैठना हुण जो हक बनता मेनू दिता जाए सरकार वालों। भेजे तो बड़े असि चावान होंगे, तो वेख लो तिरंगे चले लिपट के आते। हाँ जी तिरंगे चले लिपट के आया घर वाला। सही गल, उम्र भी कुछ नहीं ही, बच्चे निगे निगे ने। मैं हाँ गुरविंदर सिंह सानू गुरकार सिंह साडा बच्चा जिहड़ा सी इह 22 साल इहदी सर्विस हो गई है जी। डेढ़ साल बाद इहने रिटायरमेंट ते आउणा सी और आके इहने अपने घर जो प्लैन कीता सी अपने बच्चियां च अपने परिवार के नाल वो सारा इन्हें करना सी, पर अफसोस की गल है कि वो बेचारा शहीदी जाम पी गया और उत्थे पता नहीं एक्सीडेंटली जो कुछ होया उदा, क्योंकि आर्मी च जिहड़ा बंदा जांदा उहदे जांदा देश की सेवा लई आ, ते सेवा करदिआं जे उत्थे जो भी वापरदा वो एक शहीद ही बनदा वा और शहीद ही हुंदा और वो एक शहीदी प्राप्त कर गया। तो अज उहदी जिहड़ी मृतक देह इत्थे पिंड आई आ और सानूं सारिआं नूं ये बड़ा इस परिवार के उत्ते सारे इलाके ते पिंड नूं माण, क्योंकि तिना पीढ़ियां तो ये देश की सेवा च लगे हुए आ। बापू मंगल सिंह दे तीन बेटे सी, बापू का बड़ा पिंड सत्कार सी और तिने बेटे वो आर्मी से ही, तिने लड़ाइया जड़ियाँ बाहर तो लैके 71 तक लड़िया गई ने, दो पाकिस्तान एक चाइना ना, इन तिना बापू मंगल सिंह के बच्चों ने लड़के तो उदों बाद ही ये रिटायरमेंट से आए। रिटायरमेंट से भी आके भी इतना इन्होंने सोशल सेवा या समाज के अपनी सेवा की आ। वड्डा बच्चा जिहड़ा इन्हां दा साधा सिंह जी ने बापू मंगल सिंह दे, उन्होंने 30 साल नौकरी पोस्ट ऑफिस की कीती, उदों बाद फिर रिटायरमेंट होए और बलकार सिंह उन्होंने आके इत्थे दुध दा कम कीता और बड़ा बेमिसाल कम उन्होंने कीता दिन रात। हाँ जी हाँ जी, तो जिहड़े सरदारा सिंह जी सन उन्होंने भी आके इत्थे स्कूल दे विच बतौर गार्ड बड़ी सेवा निभाई ते रिटायरमेंट लई। गां इन्हां ने अपने बच्चों भी सारिआं ने आर्मी च भेजिआ और एक बड़ी फकर वाली गल आ भी इतना पीढ़ियों तो ये परिवार जिहड़ा वा वो देश की सेवा करता आ रहा आर्मी दे विच, ते अज उन्हां दा बेटा जिहड़ा वो इत्थे शहीद हो के अज घर पहुँचा लैके आए ने और उहदे संस्कार ते आपां सारे आके उन्हूं सधारी भेट की आ। और अफसोस इस गल दा वा भी ना कोई सब डिवीजन चों ते ना कोई जिले चों कोई भी आया नहीं, तो ना कोई पोलिटिकल बंदा आई आके ते उन्हां दे दुख की घड़ी दे विच शामिल होया, तो जिहड़ा साडे पिंड दे नाल जां परिवार दे नाल आ के दुख नहीं सांझा कीता, इस गल दा सानूं गिला। बाकी इस परिवार दे उत्ते सारे पिंड नूं बड़ा माण आ और इस पिंड दे विच इहनां दा परिवार दा बहुत सत्कार आ, क्योंकि सारे इहने सौ मिल वरतन वाला परिवार वा और देश की सेवा विच लगा होया। सो सानूं इह अज फकर भी है इस परिवार दे उत्ते और इह भी इक अज इस परिवार दे विच इह बच्चा शहीद होया, पर तिन लड़ाइयां लड़ियां
ਇਹ ਲੜਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਡੀਕਦਾ ਸੀ ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਿਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।